तो दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही अनूठी एवं दिव्य कथा। आचार्य श्री मुरली मनोहर शास्त्री द्वारा ब्रजवासी वृंदावन वाले, और आज प्रथम दिन का एपिसोड हम आपके लिए प्रस्तुत करने वाले हैं। और आचार्य जी हर साल यहाँ पर कथा करते रहते हैं जी ब्लॉक फरीदाबाद में, और बहुत ही अच्छे कथा अभ्यास हैं और बहुत ही अच्छी कथा सुनाते हैं। तो अभी आप आनंद लीजिए प्रथम दिन श्रीमद् भागवत कथा के अद्भुत अमर कथा कहानी का। और अभी हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं ये अमर कथा आचार्य श्री मुरली मनोहर ब्रजवासी द्वारा। लेकिन त्रिशूल तो पीछे ही नहीं छोड़ता, थोड़ी देर में ही वो ब्रह्मलोक पहुंच गया। ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु मेरी रक्षा करो। बोले, महादेव के त्रिशूल को मैं भी नहीं रोक सकता हूँ, वैकुंठ गया। बोले, नहीं रोक सकते। भगवान ने भी कह दिया, देवादी देव महादेव हैं, अगर हमने त्रिशूल को रोका तो महाप्रलय आ जाएगी, महादेव का तीसरा देश जागृत हो जाएगा। और महाप्रलय आ गई तो ये संसार खत्म हो जाएगा, इसलिए हम नहीं रोकेंगे। बोले, तो क्या कौन रोकेगा? नारायण ने इशारा कर दिया, कोई हरि भक्त ही महादेव के त्रिशूल को रोक सकता है। बोले, ऐसा कौन है? बोले, भक्ति पर जा, वेद व्यास जी के आश्रम पे जाना, उनके वेद व्यास जी महादेव के अनन्य उपासक हैं, सरस्वती नदी के किनारे उनका आश्रम है, जहाँ वो रचना करते अपने शिष्यों को पढ़ाते हैं और नित्य प्रति महादेव की अनन्य स्तुति करते हैं। भगवान भक्तों के ही वश में हो सकते हैं, देवादी देव को भक्त ही रोक सकते हैं, उनके क्रोध को शांत कर सकते हैं। तोता सीधा उड़ लिया धरती की तरफ, वैकुंठ से तोता आगे, त्रिशूल पीछे। तोता को ऐसे लगे कि थोड़ी देर में ये त्रिशूल मुझे मार डालेगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि वो कहता है कि मैंने अमर कथा सुनी है, मुझे बचाने वाला भी कोई होगा। सीधा गया सरस्वती नदी के किनारे पर, परम ज्ञानवान वेद व्यास जी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह संध्या से उठे, अर्घ दे रहे हैं, देवादि देव स्तुति कर रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं। करपूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजिनीत्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितम नमामि। स्तुति की इतने में गुरु माता भी साथ में अर्घ दे रही थी, व्यास जी की जो धर्म पत्नी है, अर्घ दी। तो जैसे ही अभी हमारे भक्तों को जभाई आई, ऐसे ही उनकी पत्नी को जभाई आई। जभाई जब आती है तो मुंह खुल जाता है, और जैसे ही मुंह का खुलना हुआ, इतने में ही उस तोता का आना हुआ, और उसने सोचा कि त्रिशूल और तो कहीं छोड़ नहीं रहा है, इस गुरु माता के नजदीक नहीं जाएगा। मुंह के रास्ते वो गुरु माता के पेट में चला। अब त्रिशूल चक्कर काटने लगा, वेद व्यास जी ने ध्यान लगा करके देखा, अरे ये तो महादेव का त्रिशूल है, इस देवादि देव के त्रिशूल को कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि त्रिशूल स्वयं उनका क्रोध है। जो उसमें तीन डंडियां होती है ना, ऊपर को नीचे से एक, ब्रह्म एक है, लेकिन वो तीन गुणों से संपन्न है, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण मिलकर के ब्रह्म का साथ लेकर के त्रिशूल का रूप धारण किया है। जब ऐसा अस्त्र चल जाए, बताओ संसार में तीन ही गुण तो है, इन तीन गुणों से कोई बचा है? महादेव जी विचार करते हैं कि ये हुआ क्या, त्रिशूल मेरे आश्रम पर चक्कर किसके काट रहा है? ध्यान से देखा कि मेरी पत्नी के मुख में होकर के एक सुख का बच्चा है।
यानी तोते का बच्चा कर प्रवेश कर गया है। इसीलिए ये उसको मारने के लिए चक्कर काट रहा है। अब तो महादेव जी की सुखदेव जी ने स्तुति की, लेकिन तो त्रिशूल निरंतर आग को भी नहीं मारता है। अब व्यास जी की धर्म पत्नी ने या व्यास जी ने तो महादेव जी का कोई अपराध किया ही नहीं था। अब चले तो उन पर कैसे चले, बच्चा तो पेट में है और बीच में माँ का पेट आ गया। माँ के प्रति तो कभी महादेव जी ने क्रोध करते ही नहीं। महादेव जी की बड़ी भारी स्तुति की। नमामि श्मशान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकारं निरीयं चिदाकाशमानाशवासं भदेयम्। रुद्राष्टक से, ये रुद्राष्टक रामायण के अंदर है, आप रामायण का पाठ करेंगे तो उसमें रुद्राष्टक आता है। इसी रुद्राष्टक से महादेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और मैं तो कहता हूं इसका पाठ हर घर में रोज करना चाहिए। आरती के बाद आप अपने घर में रुद्राष्टक करें। महादेव जी की विशेष कृपा, घर में आप आरती तो करते ही, याद नहीं है तो आजकल तो बड़ी सुविधा है, फोन सबके पास है, YouTube आजकल फोनों में, उस पर बोल दो रुद्राष्टक पाठ, तुम्हारे पास में आ जाएगा, चालू कर लो और ध्यान से बैठ जाओ और सुनो उसे रोजाना। धीरे 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 सुनोगे जो महीना दो महीने में, तो फिर तुम्हें वो याद हो जाएगा। कुछ बातें पढ़ने से याद होती हैं तो कुछ सुनने से भी याद हो जाती हैं। आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते हो तो सुन तो सकते हैं, और जब रोज रोज सुनोगे तो वो तुम्हें याद हो जाएगी। जब महादेव जी प्रसन्न हुए रुद्राष्टक की स्तुति से, तो महादेव जी वहां प्रकट हुए, बोले व्यास जी वरदान मांगो। बोले प्रभु वरदान तो जब मांगूंगा पहले ये तो बताओ कि आपका ये त्रिशूल चक्कर क्यों काट रहा है। बोले तुम्हारे आश्रम पर मेरा एक चोर छुप गया है। बोले कैसा चोर, उसने क्या चोरी किया प्रभु बताओ तो सही, आपके आश्रम में है ही क्या जो कोई चोरी करेगा। नहीं बर्फ को कोई चोरी करेगा, तो स्वयं ही कैलाश में बर्फ पर बैठते हैं, एक बलका पेड़ है और उसके नीचे एक ऊंचा सा पत्थर रखा है, आपका तो वही आसन है और मृगशाला बिछा कर आप वही बैठे, क्या मृगशाला चोरी कर ली। बोले नहीं नहीं मृगशाला नहीं, तो बोले तो बागमपुर चुरा लिया होगा प्रभु। बोले नहीं बागमपुर तो मैंने पहले नहीं रखा है। तो बोले निश्चित ही आपके वासुकी नाम को चुरा लिया गया। बोले नहीं वो भी मेरे गले में है। तो प्रभु बताइए तो क्या चोरी किया। बोले मेरी अमर कथा को चोरी कर लिया। बोले प्रभु वो कैसे, तब सारी कहानी व्यास जी को बताई कि मैं तेरी माता को कथा सुना रहा था गुप्त रूप में, वहां इसने मेरी बिना अनुमति के कथा सुन ली, तो ये तो चोरी हुई और जो चोरी करेगा तो दंड तो पाएगा। बोले प्रभु आप गुस्सा न करें तो एक बात कहूं, व्यासी ने जब अनुरोध किया तो बोले ना कहने लगे कहो व्यास को तो स्वयं नारायण के अवतार हो और नारायण मेरे बहुत प्रेमी हैं, मेरे इष्ट हैं, तो मैं तो जितने भी नारायण के अवतार हैं उन्हें पूजनीय ही मानता हूं। बोले प्रभु अमर कथा सुनने से क्या मिलता है। बोले जीव अमर हो जाता है, तो प्रभु आप ही बताइए जिस उस सुख के बच्चे ने तोता ने जन्म लेते ही अमर कथा सुन ली तो आपका त्रिशूल उसे मार ही कैसे सकता है। आप अपने क्रोध को शासन करें और आशीर्वाद दें कि वही तोता मेरे घर में पुत्र बन के आ जाए और आपकी अमर कथा का प्रचार इस संसार में करे तो कैसी कृपा हो जाए।
भोलेनाथ कहने लगे, ये तो बात तूने बहुत अच्छी कही व्यास, जा वो शुक्र ही तेरे घर पुत्र बन करके आएगा। अब सुखदेव का जन्म होने की कथा आई, तो मेरी बुद्धि जो काम करती है, व्यास गति से कहता हूं कि यही कारण है बाद की सुखदेव भी नहीं कर पाएगा। लेकिन मुख्य कारण यही है, सुखदेव जी अब गर्भ में वो सुख की जगह बालक का स्वरूप बन जाता है, क्योंकि भोलेनाथ का आशीर्वाद जो तेरी पत्नी के गर्भ में पेट में जा चुका है, जा वही तेरा पुत्र बनेगा। और भोलेनाथ का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। जब भगवान का वचन झूठा नहीं होता, अब वो सुख का बच्चा बालक रूप मनुष्य का बच्चा बनेगा। गर्भ में है वही मां को एक दिन भी कोई कष्ट नहीं कि मुझे गर्भवती स्त्री होती है बड़ी परेशानी में हो जाती हूं, लेकिन मां को कोई कष्ट नहीं, जैसे पहले थी वैसे ही रहे। नौ महीने हुए, दस महीने बीते, सुखदेव जी का इंतजार व्यास जी कर रहे हैं, लेकिन वो बाहर ही नहीं आते हैं। तो एक दिन गर्भ में बालक है, कहा व्यास जी ने कि पुत्र मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, तू बाहर क्यों नहीं आया? अरे बाहर आ, अपना मुख दिखा मुझे, मेरे कृष्ण जीवन को सार्थक कर। तो अंदर से आवाज आई कि पिताजी बाहर आऊंगा तो वैष्णवी माया मुझे घेर लेगी, मैं जब तक बाहर नहीं आऊंगा, जब तक आप मुझे ये वरदान न दे दें कि भगवान की वैष्णवी माया मेरे ऊपर अपना पर्दा नहीं डालेगी, यहां गर्भ में मुझे नारायण के दर्शन बढ़िया हो रहे हैं, भजन हो रहा है और कोई विघ्न भी नहीं आ रहा है, इसलिए मैं गर्भ में ही रहना चाहता हूं। बोले बेटा, जो गर्भ में आया है उसे जन्म लेना पड़ता है। बाल सुख, हम तुझे बाल सुख